नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि आपके चैनल पर लगातार हम उन स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं जो कई प्रयास करने के बावजूद भी सीटेट नहीं पास कर पा रहे। अगर आप भी बार बार वह कई प्रयास कर लिए लेकिन फिर भी आप 70 से 90 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे, उसी में आप फंस जाते हैं, तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो फिर जान लो आपके लिए बहुत बेहतर ये क्लास होगा, क्योंकि फिर वो गलती आप नहीं करोगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी आज की पहली मैराथन क्लास है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इस क्लास से 100+ मार्क्स आप लेकर जाओगे, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ होगी और आपको पैडागॉजिकल कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। गिर परियोजना, या आप कहोगे दोस्तों गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे आप लोग कह रहे हो कि गिर परियोजना या गिर राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है, तो सारे लोग कमेंट करके अपना आंसर करेंगे। क्या लगता है आप सभी को? जी हाँ, तो दोस्तों गिर परियोजना नाम से स्पष्ट है, ये आपका कहां पे है, गिर से गुजरात, पता है ना आप लोगों को? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान पे 3 प्रश्न याद रखना। पहला, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में है। दूसरा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? राजस्थान में है, यह भी आपको दिमाग में नोट रखना है। तीसरा, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह भी दोस्तों आपका राजस्थान में है। गुजरात के बारे में आपने देख लिया। मध्य प्रदेश की बात करें तो दोस्तों इसे टाइगर स्टेट के नाम से आप जानते हो। यहाँ पे सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ पे 2 आपको नेशनल पार्क याद रखना है, एक बांधवगढ़ और एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 चीज दोस्तों आपको याद रखना है। और बाकी मैं अगर आपसे चर्चा करूँ, एक और इसमें आपको दिख रहा होगा और वो है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि सहजन के फूलों सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो बेटा वो मुंबई महाराष्ट्र है। अगला, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सीटेट का वो प्रश्न जो हर बार लगातार आता रहा है, रिपीट होता रहा है, तो आप लोग अपना उत्तर करेंगे कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, गौरैया, मोर, सारस या तोता? सही उत्तर आपका जाएगा दोस्तों सारस के साथ। गौरैया की बात करें, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो गौरैया दोस्तों आप सबको पता होगा बहुत ही प्यारा सा पक्षी है ये, और ये अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थर्ड, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे है, बताएंगे आप लोग? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या दोस्तों या आप कह सकते हो लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? सही उत्तर आपका होगा दोस्तों कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। बहुत उपजाऊ है, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में है और भारत में लगभग हर इलाके में ये है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप चावल, गेहूं, धान, जितना भी आपका है सारी फसलें आप कर सकते हो। काली मिट्टी दोस्तों ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी की बात करें तो केरला में अधिक मात्रा में है। बलुई मिट्टी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार काफी ज्यादा है, पर यहां पे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉयल, ये ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, कितनी बार आपको बताएं और कितना आपको इसका हम ट्रिक आपके दिमाग में डालें? बहुत बार हमने समझाया है दोस्तों, जब आपसे कहा जाए मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थली का मतलब यहाँ पे बरसात कम होगा, कांटेदार पौधे होंगे, बरसात कम होगा तो कांटा ही होगा, और कांटा किसमें होता है, कैक्टस में होता है, सीधी सी बात है। महोगनी तो बेटा एक सदाबहार वृक्ष है, ये तो पश्चिम बंगाल के इलाके में ये सब चीजें पाई जाती हैं, है ना? तो फोर्थ का दोस्तों ऑप्शन नंबर भी, हम फिर बता दें अपने स्टूडेंट्स को, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सफर तय करना चाहते हैं, तो आज का ये महामैराथन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो भी आप यहां से 100+ आराम से करोगे। आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण दोस्तों आपको बताना है, शीतोष्ण का मतलब जहां पे
पानी भी यानी शीत भी हो, यानी कि ठंडी भी पड़े और गर्मी भी पड़े, वो तो आपको पता है दोस्तों, डाउन्स में भी होता है, कंपास में भी होता है, प्रेरी में भी होता है, लेकिन पंपास जो दोस्तों आपका एक इलाका है, ये आपका है ना दक्षिण अमेरिका का, वहां पे क्या है कि ये फीतोपड़ घास मैदान वहां का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लॉक कर दीजिए, राइट आंसर आंसर आपका होगा पंपास। जी हाँ, वेल डन। जैसे जैसे आप सभी लोग जुड़ते जाइएगा, सेशन को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा, ये आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में, डेमोलॉजी में। सिर्फ वही प्रश्न जो आपके कहते हैं दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करेगा, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी या डेमोलॉजी? भर दीजिए पूरे कमेंट बॉक्स को सही उत्तर के द्वारा, गलत होना नहीं चाहिए। और अगर आप दुर्भाग्य से अगर गलत कर भी दिया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ जाना कि देखो बेटा आप ईबीएस में वो बात नहीं रही जो आप सोचते हो। कि अगर आप सच में पास होने के लिए जा रहे हो, हर हाल में पास होना चाहते हो, तो वर्ल्ड वाइज पढ़ो, सिर्फ चील कौवे बाज तक फाकता तक आप सीमित मत रहो, वर्ल्ड वाइज आपको सब पढ़ना पड़ेगा। राइट उत्तर होगा इथोलॉजी, जिसमें हम जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? पेपर नंबर टू सेकेंड में सोफल स्टडीज इसका रहा होगा, क्योंकि हम कहते हैं भाई सबके लिए यहां पे कुछ ना कुछ है, सोफल स्टडी, विज्ञान, ईवीएस, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलता है, तो लगभग पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए हेल्पफुल है ये। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? सही उत्तर के द्वारा दोस्तों आपने उत्तर को आपको लॉक करना है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमें बतलाएंगे सर जी ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, सबको पता है कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कई बार कि इनका जो जन्म है कहां हुआ था, वो सबको पता है कोलकाता, लेकिन इनके बचपन का नाम क्या था? जानते रहिए, ये बहुत पूछता है। नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त, ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिल्वी कल्चर दोस्तों किससे संबंधित है? कितने लोग इसका सही उत्तर कर ले जाएंगे? सिल्वी कल्चर, जैसे आपको पता है कि एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का है ना, पीसी कल्चर मछली के उत्पादन से है, सिल्वी कल्चर किससे है? वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से या दोस्तों उर्वरक से? बताइए अपने उत्तर के द्वारा, आपको सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है दोस्तों। जी हाँ, दिव्या, मोहम्मद जैद आलम, वीना देवी, जावेद अख्तर, पूजा पासवान, आकांक्षा मिश्रा, अंशित सुमन। आज के इस वीडियो से आपको लगभग बहुत कुछ कवर होने वाला है, बहुत कुछ आप करने वाले हो, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक आपको पूरे संपूर्ण मैराथन को आपको अध्ययन करते चलना है। जी हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको लगेगा कि सिल्वी मतलब सिल्क, पर आपको गलत नहीं करना है, समझ रहे हैं? सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, वन एवं वन्य उत्पाद, यह सिल्वी कल्चर पे दोस्तों संबंधित है। जी हाँ, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्याज, आलू, अदरक क्या है? हमने आपको दोस्तों बताया है कि जड़ दो तरह के होते हैं, एक तो मूफला जड़ होता है और एक अपस्थानिक होता है। बेटा मूफला जड़ हम उनको कहते हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा, मूफला जड़ उन्हें कहते हैं जिन्हें आप डायरेक्ट खा सकते हो, प्याज, आलू, अदरक। आप बताएंगे मेरे को, आप खुद उत्तर करोगे क्या है ये, क्या आप प्याज को डायरेक्ट खा सकते हो, क्या आप आलू को डायरेक्ट खा सकते हो, क्या आप अदरक को डायरेक्ट खा सकते हो? नहीं। तो जिन्हें आप डायरेक्ट ना खा सको वो आपके तने होते हैं, जिन्हें आप यानी टैप रूट और फाइब्रस रूट। जबकि बात अगर करें हम मूली की, इस टाइम मूली आपके खेतों में हो रहा होगा, गाजर की बात करें, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, इनको आप डायरेक्ट खा सकते हो। तो जिन्हें आप डायरेक्ट खा सकते हो उसे जड़ कहोगे, और जिन्हें आप डायरेक्ट नहीं खा सकते उन्हें दोस्तों आप लोग तने की श्रेणी में रखना। ये मेरी बात आपको दिमाग में सेट रखना है कि सरजी की ट्रिक है, दिमाग में सेट रखना है। प्रिंसेज, प्रिंसेज, अंशित सुमन, जावेद अख्तर, लकी, निशा, आफरीन, लगभग सबने अपने सही उत्तरों के द्वारा अपने भविष्य की
दशा को दिशा को एक कदम सकारात्मकता की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों सीटेट का हॉट फेवरेट क्वेश्चन, ना केवल सीटेट बल्कि बीपीएससी और स्टेट टेट में भी आपको मदद करता है। भिलाई इस्पात दोस्तों कहां पर है बताइए। जी हाँ, फटाफट आप लोग कमेंट। चलिए दोस्तों आइए, तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो उद्योग है ये कहां पर है, आप सबको पता होगा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए। कुछ मेरी भी गलती होती है कि मैं व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को ऑफ नहीं रखता हूं और लाइव ये चीजें डिस्टर्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 11, झूम खेती दोस्तों कहां पे होता है। आप सबको पता होगा झूम खेती एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है। आप सबके दिमाग में झूम खेती के बारे में एक ही दृश्य बनना चाहिए, यहां पर जब एक बार फसल मान लो आपने उगा लिया, मान लो आपने धान की खेती कर लिया, तो 4 से 5 साल तक दोस्तों उस खेत को काफी लंबे समय तक के लिए हम छोड़ देते हैं। उसमें जो घास पतवार जो उगाता है उसको हम 4-5 साल बाद जला देते हैं, वही वहां पे राख वो खाद बन जाता है, फिर बिना उसकी जुताई किए उसी पर बीज बोते हैं और बहुत अच्छी खेती करते हैं दोस्तों ये मेघालय के लोग। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, झूम खेती का संबंध दोस्तों मेघालय से है। राइट आंसर आप लोग भरोगे ऑप्शन नंबर सी को। हमने पूरी स्टोरी बता दिया ना, वो सुन लिया करो। झूम खेती मेघालय, एक बार फसल आपने ले लिया 4-5 साल तक आपको खुले छोड़ देना है, 5 साल बाद उसके खर पतवार को उसी खेत में जला देना है, जो राख बनेगी वो खाद बन जाएगा, फिर जुताई नहीं की जाती उसी पर वो फिर से बीज बो देते हैं और अच्छा खासा दोस्तों क्या होता है, बीज उग जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ये जो भी प्रश्न आपको दोस्तों दिया जा रहा है, मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो और आज से अगर आप अपनी तैयारी को जारी करना चाहते हो, ये पहला मैराथन आपके पूरे जो एक महीने का है सब कुछ कवर कर देगा। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है, फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। दोस्तों राइट आंसर आप सबके उत्तर के द्वारा हम देखेंगे क्या आप कहना चाहते हो। पूजा पासवान, साक्षी, प्रियंका और वीना देवी, दोस्तों राइट आंसर आपका होगा क्या, सीस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ तो आपके दिल की धड़कन की नब्ज को मापता है, बैरोग्राफ ये तो दिखाता है मौसम कैसा रहेगा, तूफान आएगा या बारिश होगा, फिजियोग्राफ आपके ये शारीरिक हेल्थ को देखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में दोस्तों रेंडियार पाया जाता है। पूरे कमेंट बॉक्स को आप लोग बताएंगे उत्तर करके। रेंडियार, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियार। अब लोग कहेंगे सर रेंडियार क्या होता है, बेटा रेंडियार एक प्रकार का ऐसा आप कह सकते हो वनस्पति है, खनिज है, जो आमतौर पे जहां कम बारिश होती है, कंकड़ीले या कह सकते हो पथरीला क्षेत्र होता है वहां की मिट्टी। जी हाँ, भर दीजिए पूरे कमेंट बॉक्स को टुंड्रा प्रदेश से, क्योंकि मानसून कंकड़ पत्थर नहीं होगा। मरुस्थल, कैसी बातें करते हो, गर्म, देखिए मरुस्थल ठीक था लेकिन गर्म मरुस्थल, बरसात होगी तय है। कनौजिया, आकांक्षा मिश्रा, रीमा और मिस्टर रकी, सूर्या, रेणु कुमारी, चित्रलेखा, अर्चना कुमारी और हमारे सभी भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तप्त भौम जल से आप किस तरह की ऊर्जा को प्राप्त करते हो बताइए सारे लोग। बेटा कह रहे हैं कि तप्त भौम जल का मतलब क्या हुआ, सूर्य की रोपनी भूमि के जल पर पड़ रही है, इससे क्या होगा, भूतापी ऊर्जा होगा, जल की विद्युत ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगा या नाभिकीय ऊर्जा। आप जितने भी प्रश्न आप लाइव देख रहे हैं ये सारे प्रश्न दोस्तों क्या होता है, क्लास 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8 उन किताबों का एक निचोड़। बेटा रेंडियार वनस्पति का मतलब जीवों का एक समूह जिनसे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का उत्पादन होता है, वनस्पतियों में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आता है। पहले इस बात को तो समझो, वनस्पति मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें शामिल होती हैं। राइट उत्तर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, भूतापी ऊर्जा। 14th का ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। सविता कुमारी, नेहा सिंह, सुनीता रावत,
वेल डन। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कितने लोग इसका उत्तर सही कर देंगे? कौन सा दोस्तों प्रथम साहित्य स्रोत, प्रामाणिक स्रोत, और आप कह देते हो कि गायत्री मंत्र का उल्लेख भी वहीं से मिलता है दोस्तों। जी हाँ, वन एंड ओनली ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए। सामवेद में तो दोस्तों आप लोग संगीत के गायन का अध्ययन करते हो, यजुर्वेद में आप लोग क्या करते हो, यंत्र मंत्र तंत्र विद्या, फालतू बेवकूफ बनाने वाली विद्या, अथर्ववेद भाई ध्यान का ग्रहण करते हो इससे आप, तो आपको मुझे लगता है धन चाहिए, धन के लिए अथर्ववेद सीखिए, और एक वेद को सीखने में 20 साल लगता है, चारों वेद सीखोगे तो 80 साल लग जाएगा, और 80 साल में आप बूढ़े हो जाओगे, फिर धन कब अर्जित करोगे? खैर ये बात एकदम लॉजिक की है, मजाक आप बिल्कुल ना लीजिएगा। एक वेद को सीखने में 20 साल लगता है, तो बताओ चारों वेद सीखोगे तो 80 साल लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन एक वेद का अगर आपने ज्ञान कर लिया तो बहुत ज्ञान दोस्तों हो जाता है। खैर मैं सही उत्तर की तरफ अगर आऊं तो ऋग्वेद सबसे प्रामाणिक वेद, और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। जाहिर बात है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। सामवेद में हम संगीत का अध्ययन करते हैं, यजुर्वेद में जादू टोना जंत्र मंत्र तंत्र सबकी विद्या, और अथर्ववेद में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, धन कार्जन, अर्थर्व का मतलब ही होता है अर्थ मतलब धन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। कौन सा दोस्तों इसमें बौद्ध साहित्य है? हमें पता है कि आप लोग उत्तर कर लोगे, बौद्ध का मतलब गौतम बुद्ध वाला, त्रिपिटक जिसमें विनय पिटक, उपनिषद, गंगा या आरण्यक। सही उत्तर आपका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक 16 का ऑप्शन नंबर ए। हम कई बार आपको बता दिया कि जो मैराथन है आपका पहला मैराथन आज मैं आपको दे रहा हूं, और आपके एग्जाम तक 50 दिन आपको पूरे बाकी हैं। लगातार हम आपको ऐसे मैराथन क्लासेस दूंगा जिसमें अगर कोई बच्चा कुछ भी पहले से नहीं पढ़ा है फिर भी अगर वो आए तो उसकी पीछे की जो छूटी तैयारी है पूरा वो कवर कर जाए। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? भारत में दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन है? सबको पता है जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील, ये देखिए आ गया, ये वो प्रश्न है जो आप गलत करते ही करते हो, बताइए आप लोग लोकटक झील कहां पर है? लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। भर दीजिए पूरे कमेंट बॉक्स को अपने सही उत्तर के थ्रू। रेनु, पूजा, प्रियंका, पम्मी, अर्चना, आफरीन, लवली, प्रशांत, नेहा सिंह, वीना देवी, निशा मिश्रा। दोस्तों लोकटक झील की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आपका मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसको भारत में नगदी फसल कहा जाता है? नगदी फसल, अब बहुत बच्चों को नहीं पता होता भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज ए कैश क्रॉप इन इंडिया, नगदी फसल के नाम से कौन जाना जाता है? मक्का, चना, प्याज, गेहूं। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ये वो प्रश्न है जिनका पेपर नंबर सेकेंड में अगर आपने सोफल फाइंस भरा है या अगर आप पेपर वन में पर्यावरण आपको देना ही है तो तैयार रखना, तैयार रहिए, क्योंकि सीटेट पास करना है अगर हर हाल में तो वर्ल्ड वाइज कोई भी प्रश्न हो सब तैयार आपको होना चाहिए। क्योंकि होगा क्या इससे बेटा, सीधी सी बात मैं फिर वही कहता हूँ, अगर कोई कहता है कि चील कौवा बात से काम बनेगा तो बहुत पुरानी बातें हो गई। सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा किसके साथ में, भारत में नगदी फसल की बात दोस्तों हो रही है। जी हाँ, क्या वो मक्का है, चना है, प्याज है या गेहूं है? वाओ, राजकुमार ने तो कह दिया अभी तक ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत ने कहा है सी, रागनी ने कहा है सी, दोस्तों प्याज। अब आपको तो ये भी नहीं, देखिए एनसीईआरटी कहता है, ये मैं नहीं कहता, एनसीईआरटी कहता है कि प्याज की खेती जुलाई में होता है। क्या जुलाई में होता है? तो अपने विचार अपने पास रखिए, जो एनसीईआरटी कहता है वो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर अपने विचार जाकर एग्जाम में रख दोगे तो बात बिगड़ जाएगी। जो एनसीईआरटी कहता है वही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको एग्जाम पास होकर आना है, अपने विचार को वहां आरोपित मत करिए। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? चलो भाई कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर रखो आप लोग, इंद्रधनुष की रचना किसके द्वारा होती है? सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे, जावेद अख्तर, फरहत परवीन और जावेद, साक्षी, पूजा पासवान। दोस्तों इंद्रधनुष की रचना होती है जल की बूंदों में सूर्य के प्रकाश के विसरण से, बिल्कुल नहीं, विसरण हो जाएगा तो कहां से भाई ये होगा? विसरण अगर हो गया, फैलाव हो गया, तो फिर कहां रंग बनेगा यार? आयनन का कोई मतलब नहीं,
ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ये तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का आना और वापस लौटना, इससे इंद्रधनुष की एक रचना बनती है दोस्तों। राइट उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक कर दिया जाए। क्योंकि जिनका पेपर सेकंड में साइंस है, वो अगर साइंस देने जा रहे हो तो लॉक कर लो, चूंकि आपको बहुत मदद करेगा। और पेपर वन अगर आप दे रहे हो तो वहां पर तो लाजमी है कि आपको मदद कर रही करेगा ही करेगा। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? लुई ब्रेल ने, लॉरेंस ने, आर ए मिलिकन ने या जे एल बेयर्ड ने? सबको पता होगा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। पल्लवी सोनकर, मोहम्मद जैद आलम, साक्षी चौहान, रीमा, रेनू और हमारे सभी भाई बहन। दोस्तों राइट उत्तर आपका जाएगा जे एल बेयर्ड के साथ में। इनका पूरा नाम था जॉन लोगी बेयर्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जल का सर्वाधिक घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है? कौन सा टेम्परेचर है जिस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? अब बच्चों को यह नहीं पता होता कि घनत्व क्या होता है। बेटा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। मतलब जैसे एक ग्लास है, ग्लास में आयतन क्या होता है? वो ग्लास कितना पानी भरेगा, उस ग्लास में कितना पानी आ जाएगा, ये तो आयतन है। और उसका पानी का कुल भार जो हो गया वो तो द्रव्यमान है। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? घनत्व होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों लॉक कर दीजिए आप लोग। देखिए शब्द शब्द का भाव पूरी बातें बताई जाएंगी, कोई भी ऐसी बात आपको नहीं लगेगा जिसमें आप ये महसूस करने लग जाए कि नहीं भाई ये तो जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ रहा है। पढ़ रहे हो तो भाई घनत्व का भी मतलब तो पता होनी होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय प्राणी का दोस्तों आपको बताना है वैज्ञानिक नाम। ये रहा आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, एलिफेस इंडिकस, बोस डोमेस्टिकस। जितना आपको दे रहे हैं, अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी में कुछ भी नहीं किया है तो भी आप आराम से बहुत बेहतर करके आओगे, पूरा कवर कर देंगे इस मैराथन में आज आपका। दोस्तों राइट आंसर आपके सामने जाने वाला है पैंथेरा टाइग्रिस। इसे कहा जाता है राष्ट्रीय प्राणी, द साइंटिफिक नेम ऑफ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एनिमल जो भारत का है उसका जो साइंटिफिक नाम होता है दोस्तों वह है पैंथर टाइग्रिस। वेल डन, बहुत बढ़िया। लकी, सुमन, साक्षी, पूजा, सत्यप्रिया पांडे, जावेद अख्तर, रागिनी गौतम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, 24, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग दोस्तों आम पकाने में किया जाता है? बताइए वो कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग हम लोग आम को पकाने में करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड? क्या लगता है आपको, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनेगा कैल्शियम कार्बाइड। अगर आप पेपर घुमाओगे कभी भी तो आप जूनियर लेवल का फीटेड घुमा लेना और 6 to 8 की साइंस को चेक करना। ये प्रश्न आपको कम से कम 4 बार रिपीटेड दिखेगा और प्राइमरी में अभी तक 3 बार आया है। इस प्रकार ये प्रश्न टोटल 7 बार आपको मिला है। सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, कब कहां कैसे पूछा गया। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। एथिलीन कहिए, एफिथिलीन कहिए या कैल्शियम कार्बाइड कहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 25 में, सिख धर्म के, अब दोस्तों देखिए यहां पे अब आ जाइए आप लोग जूनियर लेवल के, जो लोग आपके सोवल फाइंस वाले व्यूअर हो वो देख लीजिए, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? कितने लोगों को इसका उत्तर पता है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? राइट आंसर दोस्तों आपका क्या बनेगा? जल्दी से आप लोग सही उत्तर करेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर दोस्तों ना किया हो, प्लीज आप सब लोग एक बार वीडियो को जम कर शेयर कर दें। राइट उत्तर दोस्तों आपका बनेगा गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। प्रियंका, आफरीन, आर्टिस्ट लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? दोस्तों सबको पता है केंचुआ, केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। चींटी के बारे में दोस्तों जो सीटेट में प्रश्न बनता है प्राथमिक लेवल में, वो ये बनता है चींटी कैफे होती है। चींटी ग्रुप में चलती है, समूह में चलती है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाहियां चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं, है ना। और मधुमक्खी, आप सबको पता है मधुमक्खी का पालन ज्यादातर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा नामक गांव में होता है।
और लीची के पेड़ पर दोस्तों मधुमक्खियां ज्यादा लुभाती हैं। लीची के पेड़ पर फूल फरवरी के महीने में लगते हैं और मधुमक्खी के पालन को दोस्तों क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। राइट उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हम तो दोस्तों एक से लेकर अनेक सारी बातों को बीच में रख देते हैं, सो हर चीज को ध्यान से समझिए, ध्यान पे करिए, एक भी उत्तर दोस्तों आपका गलत नहीं होने देंगे, बस आप बिलीव रखें, सही से काम करिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत ज्यादा दोस्तों इस पे हम घुमाव नहीं करेंगे, सीधा उत्तर की तरफ चलेंगे। जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इन औषधि पौधे का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कौन है दोस्तों ये? अजवाइन का फूल है, तुलसी है, रोजमैरी है या दोस्तों धनिया है? बताइए आप लोग। ये एजुकेशन स्टडी पॉइंट का आपका पहला मैराथन है, लेकिन मैं फिर कहूंगा, अगर आपने अभी तक बेसिक से कुछ भी तैयारी नहीं किया तो भी आप बेसिक से एडवांस लेवल पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। राइट उत्तर दोस्तों आपका बनेगा तुलसी, सबको पता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दिया विकास कुमार ने, वीना ने, दिव्या ने, मोहम्मद ने, जैद आलम ने, जावेद अख्तर ने, फरहत परवीन ने, पूजा पासवान ने, वेल डन, बहुत बढ़िया किया है, और नेहा सिंह बहुत लाजवाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन में, भारत में दोस्तों पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये गलत करोगे मुझे पता है। भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? कोकारेवेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम या दोस्तों सभी? क्या लगता है आपको? बताइए सभी लोग, भारत में पेलिकन पक्षी दोस्तों कहां प्रजनन करते हैं? राइट उत्तर क्या होगा? सारे लोग फटाफट कमेंट करके दोस्तों बताएंगे। दोस्तों इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, चूंकि देखिए मकसद यही है कि आप सब सीखो। जानते तो रहिए कि भाई कोकारे बेलूर में भी होता है, नेलापट्टू में भी होता है, कुंथनकुलम में भी होता है। ये एनसीईआरटी आप पूरे क्लास 3 पे लेकर 8 तक की पूरे निचोड़ को आप देख रहे हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? क्या बात है भाई, साबुन का आपको दोस्तों बताना है विस्थापन। आपने अपने गांव में सुना होगा, आज के 10 साल 15 साल पहले लोग कपड़े को धुलते थे, गांव में एक पेड़ हुआ करता था जिसका नाम है रीठा। उस रीठे को पहले पानी में डालकर उबालते थे और उसी रीठे से कपड़े को धुलते थे, और कपड़े में चमक तो वैसी जितना तो रिन या फिर किसी और का ना होता होगा। राइट उत्तर को दोस्तों लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, रीठा। चलिए बहुत बढ़िया, तो प्रियंका आर्टिस्ट लक्ष्मी, सुनीता रावत, पूजा पासवान, सुनीता रावत, आफरीन परवीन और हमारे सभी भाई बहन। अगला, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ये देखिए, जिनका जूनियर लेवल का फीटेट होगा साइंस वाला सब्जेक्ट वो, और जो प्राइमरी में देने जा रहे हैं ईबीएस, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो कि आपको आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए कोशिका में पाया जाता है? चलिए फटाफट आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा बीडीएनए। जी हां, बीडीएनए जो होता है यह कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, शुष्क बर्फ दोस्तों किसका ठोस रूप है? बताइए, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का महामैराथन में हम पिछले 10 साल जो भी पेपर में पूछे गए हैं, हमारा इस वीडियो का एक ही मकसद है कि जब मैं महामैराथन करवाऊंगा तो उसकी बात अलग होगी। पिछले 2011 से लेकर 2021 तक जितना आपका पर्यावरण में सीटेट में पूछा गया है, चाहे वो जूनियर का सोशल साइंस हो, चाहे साइंस हो, चाहे प्राथमिक लेवल का ईबीएस हो, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। 3 से 8 तक की किताब का पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो टाइम को वेस्ट क्यों करना? आपने 1 घंटे पढ़ लिया तो दिन भर आराम से मौज करो, कोई दिक्कत नहीं। शुष्क बर्फ दोस्तों किसका ठोस रूप होता है? सबको पता है दोस्तों, उसका नाम है वन एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। वैसे बल्ब में दोस्तों कौन सी गैस होती है?
बल्ब में नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन, एगमार्क का संबंध दोस्तों किससे है? एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से, क्या लगता है आपको? एगमार्क का संबंध दोस्तों किससे है? सत्यप्रिया पांडे, लकी, रेनू, प्रियंका, विभा, सुमन कुमारी या कुमार, लक्ष्मी, राजकुमार, प्रवीण। चलिए, आप सबको जानते हो दोस्तों कि कई बार आप लोग टीवी में ऐड देखते हो, रेडियो में ऐड देखते हो, हालांकि यूट्यूब में तो ऐड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अमूमन जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं गुणवत्ता के बारे में कि भाई उस पर अगर एगमार्क बना हुआ है तो जान लो कि वो सामान बिल्कुल परफेक्ट है, ओरिजिनल है। ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों आप आराम से लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन 35, प्रथम भारतीय उपग्रह दोस्तों कौन सा है? प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है या था? आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट, फर्स्ट ए या रोहिणी, बताइए। मैं देख रहा हूं रागनी गौतम और पूजा पासवान, ऋचा मिश्रा, प्रशांत अस्थाना, लकी। दोस्तों केवल अंतिम के 49 दिन काउंट कर लो, कल 50 दिन थे, अंतिम के 49 दिन आपके पास टोटल हैं, जिनको आप कह सकते हो 45 दिन मानकर चलो, मैं तो कहता हूं 40 दिन और हैं, ये 40 दिन और अपनी आपकी जीत पक्की। ठीक है भाई, बीच में एक आध हफ्ते आप इधर उधर गायब भी तो हो सकते हो, तो ये मान कर चलो कि आपके पास टोटल एक महीने है, उसी में अपने आप को जो करना है कर लीजिए। राइट उत्तर दोस्तों आपका होगा प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए सुमन कुमार, राजकुमार, वीना देवी, विभा कुमारी, अंशरित सुमन। ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 34, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा दोस्तों कहां पाया जाता है? संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राजील में? दोस्तों आप सबको पता है जहां पे सबसे अधिक जनसंख्या है, जो आधुनिक संसाधनों को बेहतर ढंग से यूज कर रहा है वो अलग बात है, दूसरों को परेशान करके, जी हाँ दोस्तों चाइना। ऑप्शन नंबर सी, देखो जीव जंतु ज्यादातर बड़े ही वो लोग निकृष्ट हैं, आप कह सकते हो चाइना के लोग। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कौन सा चट्टान दोस्तों आग्नेय शैल का या आग्नेय चट्टान का दोस्तों उदाहरण है? भर दीजिए पूरे कमेंट बॉक्स को अपने सही उत्तरों के द्वारा। मनसा मौर्य, प्रिंसेज और शुभम दुबे, कनौजिया, आफरीन प्रवीण, लवली कुमारी, विकास कुमार, ऋचा मिश्रा, मुनीस कुमार, जावेद अख्तर, आफरीन प्रवीण, प्रियंका ध्रुवे और हमारे सभी भाई बहन। दोस्तों आग्नेय चट्टान जो लगभग आग से ही निर्मित है, इसका एक ही एग्जाम्पल दोस्तों है, वो है बेसाल्ट। चूना पत्थर तो कायांत्रित शैल का उदाहरण है, संगमरमर है बेटा वो। डेट मीन्स दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दो। हमें पता है कि आपको भी शायद पता था, लेकिन कुछ भाई बहन को नहीं भी पता होता है, तो क्या करो, ऐसी स्थिति में गलत कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत परेशानी, और एक बार आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वीडियो को जमकर शेयर करें। और कहां करना है? फेसबुक पर ही करना है, आपके अपने टेट सीटेट ग्रुप में। आप मेरे अपने ग्रुप में भी कर सकते हो जहां पर 1,00,000 मेंबर हैं, आप उस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो। जो भी आपके अपने सीटेट के ग्रुप से आप उसमें भी शेयर कर सकते हो, आपका आभार होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? वो सब तो ठीक है सर जी, लेकिन चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, इसका ध्येय क्या था, क्यों हुआ था? दोस्तों पहली बात, पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए, पेड़ों के रख रखाव के लिए, पेड़ों के बचाव के लिए उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई, और शुरुआत किए थे कौन? सुंदरलाल दोस्तों बहुगुणा ने। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। जी हां, ऑप्शन नंबर बी को आप लॉक कर दीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 16 घाफ अवतल दोस्तों कहां पाए जाते हैं? ये कई बार फीटेट में दोस्तों घुमाकर इर्द गिर्द पूछता रहता है, क्या करोगे ऐसी स्थिति में? 16 नाम से स्पष्ट है बेटा, क्या ये हिमालय पर होता है या पश्चिमी घाट पर होता है, पूर्वी घाट पर होता है या विंध्याचल में है?
क्या लगता है आपको? आप अपने उत्तर को रखेंगे नंद कुमार, मुनीश कुमार और रीमा, लकी, पूजा पासवान और हमारे सभी भाई बहन। दोस्तों 16 घाफ अवतल पाए जाते हैं कहाँ पर, आपको हम बताना चाहेंगे, पश्चिमी घाट पर, जहाँ पे सबसे अधिक बरसात होती है, जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता कहाँ होगा? जहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होगी ना, हरे पेड़ पौधे कहाँ होंगे? जहाँ पे ध्रुव मतलब कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र होगा, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में तो वर्षा होती ही नहीं है। खैर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। क्या बात है, ठाकुर गर्ल, वीना देवी, राजकुमार, लवली। कोई राजकुमार है तो कोई लवली है तो कोई ठाकुर है, नाम में भी विविधता है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 38। मध्य प्रदेश में यह सीटेट का पहले तो नोट कर लो, पता नहीं कितनी बार, देखिए कुछ लोग कहते हैं सर कितना पढ़ा जाए कितना छोड़ा जाए, खासकर जब कंटेंट की बात की जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंटेंट में ये देखो, अभी तो आपको मैं जो ईबीएस की क्लास में महामैराथन दे रहा हूं, 2011 से लेकर 2022 तक का लगभग जितना पेपर आपका आया हुआ है, वो लगभग मैं आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट के आपको करा रहा हूं। ये वो प्रश्न दे रहा हूं जो 70 बार रिपीट हुए हैं, मतलब कुछ सीटेट का अपना फेवरेट होता है, उनको चूज कर लो ना यार, यार कंटेंट में ये चीज तैयार कि ये गलती ना हो। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों झीलों का शहर किसे कहा जाता है? आप में से सबको पता होगा, क्या वो भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर है या ग्वालियर है? सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा भोपाल। कितने लोगों ने गलत किया? लगभग सबने गलत किया, कोई उज्जैन कह रहा है, देखिए लगभग उज्जैन वाले बच्चे हैं, सुमन कुमार को छोड़ दिया जाए तो, या बीना देवी को छोड़ दें, सुमन कुमार को छोड़ दें। खैर अब आपने उत्तर चेंज करना शुरू कर दिया, आपसे नंबर है भोपाल को आप लोग लॉक कर दिया जाए। झीलों का शहर, बहुत अजीब सी बात है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। चलो दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें फिर दोस्तों कौन सा द्विबीजपत्री है? ये इतनी बार तो लोगों ने गलत किया कि मुझे नहीं लगता कि बार बार इस पर मैं चर्चा करूं। कौन दोस्तों इसमें द्विबीजपत्री है बताइए? क्या बांस होता है, केला होता है, गन्ना होता है या सरसों होता है? द्विबीजपत्री दोस्तों आपको बताना है, जिसमें दो बीज पाए जाएं। बांस में होता है क्या? कुछ किताबों में बांस दिया गया है कि बेटा वो दो बीजपत्री है, पर यकीन करिए मेरे दोस्त वो बिल्कुल गलत है, आप उसको निगेटिव काट दीजिएगा। केला तो पेड़ों की पौधों की श्रेणी में आता ही नहीं है। गन्ना, गन्ने को भी द्विबीजपत्री कहीं कहीं माना गया है, वो भी गलत है। सरसों फोड़ दोगे दो भागों में बढ़ जाएगा, जी हाँ। तो ऋतिक कुमार, सुमन यादव, बीना देवी, राजकुमार, जावेद अख्तर, सुमन कुमार, मनसा मौर्य, राजकुमार, चंचल प्रजापति, नंद कुमार, ठाकुर गर्ल और पूजा पासवान। वीडियो को दोस्तों प्लीज आप सब लोग शेयर करते जाइएगा, अगर आपको लगता है हाँ हमें ओरिजिनल कंटेंट मिल रहा है, बेहतरीन कंटेंट, डैट मीन्स जब एक ही वीडियो में आपको 2011 से लेकर 2022 तक का पूरा आपको हम सोशल स्टडी, सोशल साइंस, यहां तक कि हम आपको ईबीएस सब कुछ एक वीडियो में दे रहे हैं, तो शेयर करने में यार क्या आपका जाता है। सो प्लीज कर दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय गैंडा संरक्षित कहां पे है? कितने लोगों को पता है गैंडा? अब जिनको पता होगा भैया गैंडा कहां पाए जाते हैं भारत में, वो असम है। असम में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। उत्तर करना सीखो। गैंडा कहां है भारत में? असम में। एक सींग वाले गैंडे कहां? असम में। दो सींग वाले गैंडा कहां? अफ्रीका में। तो दोस्तों भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क, क्योंकि गैंडे के लिए तो आपके अपने यहां असम ही है ना। असम में एक और प्रश्न बनता है कि बिहू लोक नृत्य कहां है? तो असम में ही है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां है? उत्तराखंड में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहां है? कर्नाटक में है। गिर नेशनल पार्क कहां पे है? गुजरात में है। सबका उत्तर मिलेगा, चारों ऑप्शन आपको दोहरा दे फिर से, बांदीपुर कर्नाटक में, कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में। असम वो क्षेत्र है जहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, और जो गिर परियोजना है, गिर नेशनल पार्क है, वो दोस्तों आपका गुजरात में है। क्या बात है। सूर्या, सुमन कुमार, मोहम्मद जैद आलम, लवली कुमारी, रागनी गौतम, राजकुमार और दोस्तों हमारे सभी प्यारे भाई बहन। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या होती है? वैसे मैं आपको बता दूं कि दूध से दही बनने को दोस्तों कहा जाता है क्या? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि जब कोई पदार्थ की अवस्था बदल जाए और अवस्था बदलने के साथ साथ अगर नया पदार्थ भी बने तो वहां पे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर दूध से दही का बनना, पदार्थ की अवस्था बदली और नया पदार्थ भी बना। और दोस्तों इसको क्या कहते हैं, जी हाँ, इसको आप किण्वन कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। और आप कहोगे सर भौतिक परिवर्तन क्या है, तो बेटा भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था तो बदलेगी लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। द स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज बट नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। डैट मीन्स जैसे जैसे दोस्तों धूप में कपड़े का सूखना, अवस्था बदल गई नया पदार्थ नहीं बना। तौलिए से शरीर को पोंछना, अवस्था बदली नया पदार्थ नहीं बना। कांच का टूटना, कांच टूट गया अवस्था बदल गई नया पदार्थ नहीं बना। कितने एग्जाम्पल आपको चाहिए, समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और एक और दोस्तों आपको क्वेश्चन बता देते हैं जो आपके लिए विवादों में रहता है, मोमबत्ती का जलना। दोस्तों मोमबत्ती का जलना मात्र एक ऐसा परिवर्तन है जो भौतिक और रासायनिक दोनों है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती जब जलता है तो एक आपको लिक्विड नीचे गिरता, आप देखते हो वाइट, जो भी जिस कलर का रहता है वाइट होता है, रेड होता है, तो एक नया पदार्थ बना। लेकिन दोस्तों वो भौतिक परिवर्तन भी होता है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती के अंदर जो धागा होता है, भाई धागा जलता है ना, तो वो धागा जलता है और धागा जल के वो राख हो जाता है, तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो उसमें दो चीजें हैं, मोमबत्ती का जलना मात्र एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोस्तों दोनों होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी को दोस्तों लॉक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलें, सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग भर दो, एक बार कमेंट में आप लोग लिख दो कि हाँ सर समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक करके आप लोग जता दीजिए कि हाँ सर समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, या आप महामैराथन देख रहे हैं जिसमें 2011 से लेकर 2021 से 22 तक के ईवीएस के प्रश्न, सोशल स्टडी के प्रश्न, सोशल साइंस के प्रश्न, सबका एक मिश्रण आपको यहां पे मिल रहा है एक साथ। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय पर प्रस्तुत नहीं करता, सबसे अधिक दोस्तों सुधारात्मक कार्य क्या होगा। भैया राकेश कोई बच्चा है जो कि पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से पूरा नहीं कर रहा है, आप क्या करेंगे? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाएंगे? ऐसा कभी मत करना। खेल की कक्षा में जाने प्रतिबंध लगाओगे? जी नहीं। उसकी अनियमितता के कारणों का पता लगाएंगे और उसे उचित मार्गदर्शन देंगे। दोस्तों यही इसका सही उत्तर होगा, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बीटी कपास क्या है? बीटी कपास दोस्तों क्या है, एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधि पौधा है, बताइए। सारे लोग बताएंगे भाई। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बनेगा बीटी कपास एक प्रकार का ट्रांसजेनिक प्लांट है। बिल्कुल, आप अब आपको यह भी बता दें कि आपके दिमाग में चलता होगा सर जी आप इतनी लंबी लंबी बात कर जा रहे हो, ट्रांसजेनिक भी तो बताओ क्या होता है। तो बेटा ट्रांसजेनिक आपको मैं बता देता हूं, देखो सुनो, कितने लोग इसमें गांव में रहने वाले हैं, क्योंकि गांव का बच्चा समझ जाएगा, शहर का बच्चा थोड़ा समझने में उसको वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है। सीधी सी बात है, देखो जैसे आपने अपने बचपन में महुआ बीनने जाते थे आप लोग, आप देखिए किसी एक ही पेड़ में महुआ का भी पेड़ होता है, उसी में आम का भी पेड़ निकला होता है। एक ही पेड़ में आपको देखोगे दो दो चीजें निकली हुई होती हैं, उसमें महुए का भी पौधा है और उसी में आपका देखोगे आम का भी पेड़ उसी उसी तने से निकला हुआ है, उसे दोस्तों कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक पौधा। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा, दोस्तों वीडियो को रीशेयर करते जाइएगा, यह आपसे विनम्र निवेदन है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है दोस्तों वो कौन है, बताइए। आपकी स्क्रीन पर है, सही उत्तर करना आपका नैतिक कर्तव्य बन जाता है। चलिए पता है, गांव में हो तो आप सबको पता होगा। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बच्चों ने गलत किया है। चलिए साक्षी चौहान के यहाँ ट्रांसजेनिक पौधा है, आप इनके यहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो, जिन्होंने ना देखा हो। खैर मजाक है, मजाक को मजाक तक लीजिएगा।
राइट उत्तर दोस्तों आपका है क्लास, ये देखिए क्लास्ट्रिडियम। डैट मीन्स ये दोस्तों आपका जो होता है ये एक ऐसा पौधा है जो एक अवायवी जीवाणु होता है जिसमें नाइट। चलिए आइए, तो दोस्तों आपने देख लिया 44 का, आइए 45 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ मैरीन राष्ट्रीय पार्क है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है, गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार में, या आप कह सकते हो दोस्तों पश्चिमी बंग में, पश्चिम बंग में। क्या लगता है आपको क्या होगा सही जवाब, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है। सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा गल्फ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आरफे जल का दोस्तों सर्वाधिक प्रदूषण कहां पे होता है, तो आप सबको पता होगा वो राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है। जी हाँ, सही उत्तर आपका होगा पश्चिम बंगाल, वही पश्चिम बंगाल जहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, वही पश्चिम बंगाल जहां पे आप लोग दोस्तों देख सकते हो कहते हैं कि उम्मीदों का शहर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 47 की तरफ आपको लेकर चलते हैं, परिकल्पना को। अच्छा 46 पर आपको दिक्कत हो गई नेटवर्क का, चलिए कोई नहीं, मैं दूरी पर। सवाल दोस्तों आपका यही था कि आर्सेनिक द्वारा जल का प्रदूषण सर्वाधिक कहां पे होता है, तो आर्सेनिक द्वारा दोस्तों जल का सर्वाधिक प्रदूषण आपका होता है पश्चिम बंगाल में। नोट कर लो, सही कर लो, हो गया कोई बात नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, वो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए मैं टिक कर देता हूं, ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर 47। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं होता, वो क्या है। बेटा जब आप कोई काम बार बार करते हो, किसी प्रोसेस को अगर आप बार बार दोहराओगे, किसी एक ही प्रोसेस को अगर आप बार बार करोगे तो क्या होगा। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन बननी थी, ऐसे थोड़ी कोई वैक्सीन बनता है, जब कई बार शोध होता है, कई प्रयोग होता है, कई परिकल्पनाओं पर उसको चेक किया जाता है, और जब एग्जैक्ट और सही रिजल्ट निकलता है तो बेटा वो एक सिद्धांत बन जाता है। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, वो क्या है, एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, गैसीय अपशिष्ट किसे कहा जाता है, बहुत बार पीटेट में आया है ये, बताइए। सब्जी एवं फलों के छिलके को, घरों की नालियों एवं गंदा पानी को, खेत खलिहान पर निकलने वाले कचरे को, या लकड़ी धुआं या जलने वाले धुएं को, कोयला फिर। चलो भाई बताइए 48 का सही उत्तर क्या होगा, अंशित सुमन, पूजा, जावेद अख्तर। देखिए तुरंत आप लोग परेशान ना होया करें बेटा, नेटवर्क है, नेटवर्क हमारे हाथ में नहीं होता है, है ना, तो ये आप समझा करो, हम एक रूरल इलाके से बिलोंग करते हैं, है ना, तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता ही रहता है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया करें, है ना। चलिए तो राइट उत्तर दोस्तों आपका होगा लकड़ी, कोयला, इन सभी से जलने वाले धुएं से। अगला प्रश्न 49, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जली खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ये दोस्तों कहां पे है, बताएंगे आप लोग। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जली खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वो क्या है, एकोनोरिया कसिपस जिसे आप कहते हो जलकुंभी, या पारिथीनियम हिस्टेरोफोरस, या लैंटाना कैमारा, या सिनोडोन डेक्टाइलोन, या दूब घास, बताइए। दोस्तों एक बार आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर कर दे, सारे बच्चे एक बार शेयर कर दे, कम से कम 100 की संख्या आपकी पार हो जाइए, आपकी जिम्मेदारी है, क्लास आपकी है तो सपोर्ट कौन करेगा। चलिए सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा क्या, एकोनोरिया कसिपस, मतलब जलकुंभी को दोस्तों बंगाल का आतंक कहा जाता है, आतंक क्या कहोगे, आतंकी कह दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, बेटा वीडियो क्वालिटी को 360p पे कर लीजिए, आराम से बहुत बेहतर दिखेगा। 50, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, पूर्वा दोस्तों किस अधिवास में शामिल है, रेखी, ग्रामीण, अपखंडित, या नगरीय, बताइए। मोहम्मद जैद आलम, लकी, शिल्पी, लवली कुमारी, साफ साफ नहीं दिख रहा है सर जी, साफ साफ, ऑडियो चेक कर लीजिए एक बार। पूर्वा को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, रूरल इलाका,
चलिए, पीने के लिए सुरक्षित जल को दोस्तों क्या कहते हैं, क्या आप बता पाएंगे? पीने योग्य जो सुरक्षित जल होता है उसे क्या कहते हैं? ताजा जल, पीने योग्य जल, आसुत जल या नल का जल? चलिए बताइए, पीने के लिए दोस्तों जो सुरक्षित जल होता है उसे आप क्या कहते हो, ताजा जल कहते हो कि पीने योग्य जल कहते हो? दोस्तों काफी लोग को देखते लगेगा, यार पीने के लिए सुरक्षित जल को हम अगर कह देंगे पीने योग्य जल तो बात गलत हो जाएगी। ना ना, ऐसा नहीं करना है, मैं इसको आसुत जल कर देता हूं। यही आपकी गलती आपको डुबा देता है। ये आपको नहीं सोचना है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, अपना अपने फैक्ट पर चलें। जैसे मैं कहता हूं कि प्याज की खेती जुलाई में आप लोग नहीं करते, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी सीटेट मानता है जुलाई में, तो मान लो। अपना दिमाग बहुत लगाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। सही उत्तर दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, पीने योग्य जल, यानी ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों आप लोग लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 52। फूलों की घाटी दोस्तों कहां पे अवस्थित है? आप सबको पता है जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे हिमिस नेशनल पार्क, और सिक्किम में कंचनजंगा है, और उत्तराखंड में दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, और उत्तराखंड में ये आप सबको पता है फूलों की घाटी भी है, और उत्तराखंड में ये आपके चिपको आंदोलन की दोस्तों शुरुआत भी हुई थी। सही उत्तर आप लोग लिख लीजिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नंद कुमार, दिव्या और प्रशांत, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को उत्पन्न करता है? क्या आप बता पाएंगे कौन ऐसा है जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को उत्तेजेगा? बताइए, क्या वो डीजल? डीजल पे धुआं निकलता है, प्रदूषण होगा। पेट्रोल होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, कोयला होगा। सही उत्तर क्या होगा? जो भी स्टूडेंट्स हमारे अभी अभी जुड़ रहे हो, मैं उनको बता दूं कि दोस्तों ये संपूर्ण मैराथन आपके जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल के पर्यावरण को लेकर हो रहा है। अब कहोगे सर जूनियर लेवल में क्या, तो जूनियर लेवल में आपका सोशल स्टडी भी मदद करेगा, और साइंस जो होता है उसमें भी मदद करेगा आपको, और साथ में आपका प्राइमरी में तो खैर ये मदद करता ही करता है। हाइड्रोजन दोस्तों इसका राइट उत्तर होगा। यस, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? बताएंगे आप लोग, उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त ना मिलना, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होना, या मिट्टी का कठोर होना? आपको क्या लगता है, एक बार मैं आपके कमेंट को चेक कर लेता हूं। संतोष, लवली, पूजा, बीना, प्रशांत, रिचा, साक्षी, जावेद, लकी, शुभम दुबे। दोस्तों देखिए, शुष्क मिट्टी जानते हो आप लोग के घर में जहां नाली बना हो, आप देखना जहां से नाली होता है, नाली के बगल की जो मिट्टी होती है उसमें बड़ी मिट्टी, वो जो मिट्टी होती है बड़ा खारा होता है, वो थोड़ा सा नमकीन टाइप की मिट्टी होती है, उसमें लवण सांद्रता ज्यादा होती है। तो हर एक शुष्क मिट्टी उसमें क्या होता है, लवण सांद्रता अधिक होती है। लवण का मतलब नमकीन, दैट मीन्स नमक टाइप की है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 55। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? कितने लोग इसको सही उत्तर मानते हैं दीजिए, गलत बात है ये। क्षेत्रीय भ्रमण करोगे सबसे जरूरी है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। समूह वार्तालाप बिल्कुल पॉजिटिव है, अध्ययन का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बेटा अगर पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है तो क्लास में बैठकर व्याख्या मत दो। मैं फिर कहता हूँ, ये प्राइमरी बच्चे की बात हो रही है, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से बगीचे में ले जाओ, कुछ पेड़ गिरे होंगे, कुछ पेड़ अच्छे हरे भरे होंगे, उससे उसको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान मिलेगा, और जो ज्ञान मिलता है ना बच्चा, प्रत्यक्ष रूप से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो अस्थाई होता है। समझ गए? ये भी सीटेट में पूछता है कि जो प्रत्यक्ष रूप में जो प्राप्त ज्ञान होता है वो क्या होता है, तो आंसर में लिखा होता है अस्थाई, तो आप अस्थाई को टिक कर दीजिएगा। समूह वार्तालाप में बुराई नहीं थी, पर फिर भी हमको सही उत्तर चुनना होता है सीटेट में कि कौन सा सबसे परफेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहां पर है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड? बताइए, लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ या दोस्तों वाराणसी? तो क्या लगता है आपको? दोस्तों राइट आंसर आपका इसका बन जाएगा चंदौली, चाफे चंदौली
और आप लोग जानते होंगे ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है। और अगर पूरे भारत में बात की जाए कहाँ पे सबसे अधिक सैंक्चुरी लाइफ है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, दोस्तों 50 से ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य आपके मध्य प्रदेश में है। वही मध्य प्रदेश दोस्तों जिसको आप सब लोग जानते हो कि भाई सपनों का शहर है, भाई वही मध्य प्रदेश जो झीलों का शहर है, जहां पे लोकटक झील है। अगला क्वेश्चन आपकी तरफ में ले चलूं, उससे पहले मैं यहां टिक लगा देता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा हुआ है? कितने लोग सही कर लोगे? किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा हुआ है और यह लावा वाली जो मिट्टी है यह कहां सबसे अधिक मात्रा में होती है? लवली, साक्षी, वीना, शुभम। चलिए ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी दोस्तों इसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है। लावा मतलब जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो मैग्मा के रूप में लावा निकलता है उससे क्या होता है दोस्तों, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी सबको दोस्तों पता है कि यह महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, और हाँ एक प्रश्न आपको इसी में और बताना था कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में दोस्तों है। जैसे अगर आपसे पूछता है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार पूरे भारत में सर्वाधिक है, तो बेटा वो है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, और सबसे उपजाऊ भी यही होता है। काली मिट्टी सबको पता है महाराष्ट्र मुंबई में है, लाल मिट्टी केरला से जुड़ा है, लैटराइट मिट्टी ये दोस्तों केरला के साथ साथ असम में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में है, प्रचुर मात्रा में है। तो 57 का दोस्तों राइट उत्तर आपका क्या बनेगा? जी हां सबने कर लिया ऑप्शन नंबर बी। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता? सबको पता होगा, लेकिन उससे पहले हम अपने स्टूडेंट्स के निवेदन करेंगे, अगर आपको इसी तरह की लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करना है तो वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ऑल पे क्लिक रखना, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए तो किस देश में दोस्तों क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? आप सबको पता होगा दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। वही ऑस्ट्रेलिया जो भी आप लोग जानते होंगे जख्म पर नमक हरा करके गया है, मतलब विश्व कप जीत कर गया है, पर क्या कहोगे मेहनती हैं, मेहनत करके आगे बढ़ गए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सतत और व्यापक मूल्यांकन दोस्तों क्यों आवश्यक है? कितने लोग इसका आज उत्तर सही करेंगे ये मेरे को देखना है। ये रहा, ध्यान पे देखना, गलत मत करना। उससे पहले मैं आपको बता दूं सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। दोस्तों सतत मूल्यांकन जो होता है ये परीक्षा संबंधी डर को समाप्त करने के लिए होता है, जबकि व्यापक मूल्यांकन की बात करेंगे बेटा तो ये आपके हर पहलू पर मूल्यांकन होता है। जैसे आपकी चारित्रिक गतिविधि, आपकी सामाजिक गतिविधि, आपकी सांस्कृतिक गतिविधि, आपकी खेल की गतिविधि, इसमें हर पहलू को देखा जाता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए बिल्कुल। और एक चीज आपको यहां पे और समझा दूं, एक दो छोटे शब्द हैं, नाम उनका है आकलन और मूल्यांकन, दोनों में अंतर भी जानते रहो। हमने कहा कि आपने एग्जाम दिया और आप अच्छे नंबर से पास हुए, आपके दोस्त इत्र मित्र सित्र जो भी हैं कॉल किए, भाई कितने नंबर आप लेकर आए, आपने कहा भैया हम 120 लेकर आए, दोस्त ने फोन ही काट दिया, भाई उसको दुख हो गया आप 120 लेकर आए, ये तो भैया मूल्यांकन है। लेकिन वही दोस्त जब पूरी बात को पूछे, यार कांग्रेचुलेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत बेहतर किया, उम्मीदों से भी बेहतर किया आपने, यार मेहनत किया था, यू डिजर्व इट, किन किताबों का अध्ययन किया, कहां से आपने पढ़ा, क्या क्या चीजों को आपने देखा, क्या क्या समझा, पूरे प्रोसेस को जानना दोस्तों आकलन होता है। मूल्यांकन केवल रिजल्ट, जैसे समाज में है ना, आपको बहुत ज्ञान हो लेकिन सफल हुए कि नहीं हुए ये बहुत मैटर करेगा। तो ये चीज है मूल्यांकन और आकलन के बीच की बेसिक कड़ी जो आपको मजबूत बनाएगा। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन 60, निम्न में से कौन सा कायांत्रित सेल का दोस्तों उदाहरण है? गलत मत करना, हम उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर नहीं बेहतरीन साबित होकर आओगे। क्या वो बलुआ पत्थर होगा, ग्रेनाइट होगा, संगमरमर होगा या चूना पत्थर होगा?
दोस्तों कायांत्रित शैल का उदाहरण क्या है? सबको पता है दोस्तों, उसका नाम है संगमरमर। बिल्कुल, यह कायांत्रित शैल है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने, अब सोशल स्टडी वाले बच्चे ध्यान देंगे, एक उनके लिए प्रश्न आ गया कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने ज्ञान का प्रवचन कहां दिया था? सबसे पहले दोस्तों सही उत्तर करना मत भूलिएगा, जो भी कीजिए सही उत्तर कीजिए। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने ज्ञान को कहां दिया? बोधगया में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में? यह प्रश्न जूनियर लेवल के फीटेट में 6 to 8 सामाजिक अध्ययन वाले बच्चों के लिए है। भर दीजिए पूरे कमेंट बॉक्स को, बीच बीच में सबको मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। यार आए हो सबको मिलेगा, किसी को कच्चा आम मिलेगा तो किसी को भाई साहब टॉफी मिलेगी, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, सबको कुछ ना कुछ अतिरिक्त चीजें खाने को मिलता रहेगा। डैट मीन्स किसी को सोशल स्टडी, किसी को पर्यावरण, किसी को सामाजिक विज्ञान, सब कुछ मिलता रहेगा। दोस्तों राइट आंसर में अगर बात करूं आपको तो सही उत्तर आपका जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ में। जी हां, सारनाथ 61 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आज आप पहली बार इसको देख रहे होंगे, ठीक है। आपको पता है कि झील के बारे में आपने जान लिया कि भैया मध्य प्रदेश झीलों का सहारा है, ठीक बात है, लेकिन आज आप जानकर पता लगेगा कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवों का अध्ययन आपने पढ़ लिया इथोलॉजी, लेकिन आज जानोगे आप झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। भरिए पूरे कमेंट बॉक्स को। महेश कुमार मधुकर, वीना देवी, ठाकुर गर्ल, आकांक्षा मिश्रा, वीना देवी, ममता यादव और हमारे सभी भाई बहन। तो दोस्तों झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सारे लोग जानते हैं दोस्तों, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी दोस्तों कहा जाता है किसको? झीलों के अध्ययन को। और विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सबको पता है दोस्तों, विश्व में सबसे मीठे पानी की जो झील है वो सारे लोग जानते हैं भाई, सुपीरियर। कड़वा कौन सा है? कैस्पियन। एशिया कौन सा है? उलर। सारे लोग जानते हो भाई। आगे ले चलते हैं आपको। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत या दोस्तों नंदा देवी? और फिर नंदा देवी दोस्तों उत्तराखंड में है ये पर्वत आपका। खैर बताइएगा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? रागिनी कुमारी, महेश कुमार मधुकर, पूजा पासवान, मोहम्मद जैद आलम, दिव्या, रीमा, आकांक्षा? दोस्तों जो भी बच्चे हमारे पहली बार आए हैं, अगर आपको लगता है कि आप यहां से कर जाओगे, क्योंकि क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है, हम क्लासेस के एक भी चार्ज नहीं करते, क्योंकि आपको पास होने के लिए किसी बैच की जरूरत नहीं होती, ये मेरा अपना मानना है। एक दो घंटे पढ़ लिए बहुत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको जैसे ही मैं लाइव आऊंगा सुबह 11 बजे और शाम को 9:20 पर, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। सही उत्तर दोस्तों जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ में, नंगा पर्वत 63 ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, माफी चाहेंगे, पर कोई बात नहीं। आइए, लोनार झील दोस्तों कहां पे स्थित है? आप में से सबको पता होगा लोनार झील तमिलनाडु में है, केरला में है, महाराष्ट्र में है या गुजरात में है? सही उत्तर आपका दोस्तों जाएगा ये महाराष्ट्र के साथ में, लॉक कर दिया जाए। तमिलनाडु में क्या है? नीलगिर की पहाड़ियां हैं। केरला में क्या है? मसालों का सार है। गुजरात में क्या है? गिर परियोजना। जब तक बेटा अगर बफरिंग कर जाता है, वेट किया करो सर, बिना आपसे मिले लास्ट में इंड नहीं करेंगे क्लास, या आप यकीन किया करो, ठीक है, हम उनमें से नहीं है। मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके हाथ को पकड़कर आपको चलाता है, ठीक है। तो आप विश्वास किया करो, तब तक लाइक कर लिया करो, शेयर कर लिया करो, कुछ आप लोग काम कर लिया करो। नेटवर्क ग्लिचेज हो जाता है, कोई नहीं, आगे ले चलते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना कैसी होती है? चलो आ जाइए आप लोग दोस्तों। तो ऊंचे क्षेत्रों में जो लैटराइट मृदा होती दोस्तों, उसकी संरचना कैसी होती है? क्षारी, लवणीय या अम्लीय? सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा, ऊंचे क्षेत्रों में जो लैटराइट मिट्टी होती है उसकी संरचना होती है दोस्तों अम्लीय। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, लैटराइट मिट्टी दोस्तों कहां पाई जाती है? नेटवर्क भी ना आज बहुत परेशान कर रहा है। खैर,
लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। आप दोस्तों यकीन करें, जितना बुरा आपको लगता होगा उससे ज़्यादा गुस्सा हमें लगता है, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारे और आपके बीच में संबंध क्या होता है। स्क्रीन पर प्रश्न होता है, स्क्रीन के पीछे मैं रहता हूँ, मेरे को लगातार आप जानते हो कि आपसे जुड़े रहना होता है, डैट मीन्स मुझे लगातार बोलना होता है। आप समझ सकते हो कितना फ्रस्ट्रेशन हमें होता है। तो लैटेराइट मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 67। निम्नलिखित में से वो फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? बताइए वो कौन सी फसल है। हमने आपको बताया कि जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसका विस्तार भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। लेकिन अब सवाल यह आ गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉप डैट ग्रोज इन द एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर एबंडेंट वाटर। डैट मीन्स वो मिट्टी, वो फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगता है। आप सबको जानकर हैरानी होगी, क्या सबको पता है चावल जलोढ़ मिट्टी में उगता है और सबसे अधिक पानी की भी जरूरत होती है? नहीं, ये देखिए हमारे आपके इमोशन से ही आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई टीचर आपको क्या कहते हैं वॉइस ओवर करता है, ठीक है, तो आपको जितना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता होगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझना होता है कि मुझे आपको कनेक्ट भी करना है, समझाना भी होता है, और नेटवर्क का जो ग्लिचेज होता है ये मेरे हाथ में अपना नहीं होता। तो आपका उस वक्त प्यार की मेरी ज़रूरत होती है, कि आपके प्यार की, आपको रुके रहने की ज़रूरत होती है ना। तो अपना प्यार आप उस वक्त दर्शाओगे तो मुझे शायद वो एक मेरे लिए मरहम का काम करता है वो। चलिए पेट्रोलॉजी दोस्तों ये किस चीज़ का अध्ययन है बताएंगे आप लोग? पेट्रोलॉजी आपने देखा, इथोलॉजी जीवों का अध्ययन है, उसके बाद आपने देखा लिमोलॉजी, वो आपको आगे बताया गया था। पेट्रोलॉजी दोस्तों चट्टान का अध्ययन होता है। पेट्रोलॉजी, ट्रा ट्रा मतलब चट्टान, दिमाग में याद रखना, दिमाग में सेट रखो, जाहिर बात है आप सही करके लौटोगे। चलिए तो पेट्रोलॉजी दोस्तों ये चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा की लवणता मापी जाती है किसके द्वारा? चालकता मापी के द्वारा, आर्द्रता मापी के द्वारा, या दोस्तों साइक्रोमीटर के द्वारा, या वृद्धि मापी के द्वारा? बताएंगे आप लोग मिट्टी में कितना खारापन है, मिट्टी में कितनी लवणता है, ये किस चीज के द्वारा मापा जाता है? चालकता मापी, आर्द्रता मापी, साइक्रोमीटर या वृद्धि मापी? आप सबको पता होगा दोस्तों ये चालकता मापी के द्वारा मापा जाता है। हमारे जो भी स्टूडेंट अभी अभी अपने मोबाइल सेट को ऑन कर रखे और यूट्यूब पर आप हमारी क्लास देख रहे हैं, तो हम आपको बता दें ये वीडियो क्लास 1 to 5, क्लास 6 to 8 सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हमने संपूर्ण पर्यावरण को लिया है। संपूर्ण पर्यावरण का मतलब इसमें आपका प्राइमरी का ईवीएस भी कवर होगा, सोशल स्टडी भी जूनियर लेवल का कवर होगा, साइंस भी कवर होगा, और 2011 से लेकर 2022 तक के समस्त प्रश्न इस आज के महामैराथन में आपको दिया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? बताइए कितने लोगों को इसका जवाब पता है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरला या हिमाचल? आप सबको पता होगा दोस्तों उत्तराखंड, ये तो आपको पता है, यहाँ पे जिम कार्बेट नेशनल पार्क है और वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहीं पर, मतलब यार वही फूलों की घाटी प्रभु। जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जिसका नाम है हिमिस, जानते रहिए आप लोग। और आज आपका दूसरा मैराथन आज शाम को 9:20 पर होगा बाल विकास का। केरल की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये मसालों का शहर है, कथक कली लोक नृत्य यहीं पर है, साइलेंट वैली यहीं पर है, पेरियार नेशनल पार्क यहीं पर है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों भारत के किस राज्य में है? भरतपुर, सरिस्का, केवलादेव, ये जितने भी दोस्तों अभ्यारण्य हैं ये कहां पर हैं? कर्नाटक, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, क्या लगता है आपको? आप अपने कमेंट के द्वारा अपने उत्तर को रखेंगे और बताएंगे। और आज आपका दूसरा मैराथन आज शाम को 9:20 पर होगा
बाल विकास का। केरल की दोस्तों अगर मैं बात करूं, चलिए बहुत बढ़िया। ऑडियो तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर जा रहा है ना, साफ सुथरा सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है बढ़िया से? ठीक है, बहुत बढ़िया। वीडियो को दोस्तों सभी लोग लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे एक एक करके सारे लोग लाइक कर दें। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको इस महामैराथन क्लास की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ही आपको ऊपर मिल जाएगा। नेट ऑन रहेगा वैसे ही आपको ऊपर स्क्रीन पर मिल जाएगा, सुबह 11 बजे और शाम को 9:20 पर। चलिए आगे आपको मैं लेकर चलता हूं दोस्तों, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका दोस्तों है कहां पे? राजस्थान में है। और राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष भी तो है, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में क्या प्रश्न पूछता है? खेजड़ी का वृक्ष कहां पाया जाता है? राजस्थान में। इसकी पेड़ की जो टहनियां हैं, तने कभी खराब नहीं होते, क्यों? इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, इसकी छाल पे दवाइयां बनाई जाती हैं, इस पेड़ के नीचे रहने वाले लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। आज भी लोग जो रहते हैं इस पेड़ के नीचे उन्हें भी दोस्तों बिश्नोई ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, वेल डन। कर्नाटक के बारे में दोस्तों बात करें तो यहां पे एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? एपिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी। और कर्नाटक में आपको पता हो कि दोस्तों एक बांदीपुर नेशनल पार्क है, याद रखना, गलत मत करना। अगर बांदीपुर नेशनल पार्क कहता है दोस्तों, अगर ये बांदीपुर नेशनल पार्क कहता है तो ये कर्नाटक में है, और अगर बांधवगढ़ कहेगा तो बेटा मध्य प्रदेश में है। छोटी सी बात है, गलत नहीं करना। एक और चीज है, केरल, केरल में कथक कली लोक नृत्य है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे कथक लोक नृत्य है। छोटी छोटी बातें हैं, ये दिमाग में आपको सेट रखना है। अगला प्रश्न, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी बिहार कौन सा है? क्या बात है भाई, वाओ, हरियाणा, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी बिहार कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजा जी, हां जी ऐसे ऐसे नाम है सर इसका। चलिए 72 के लिए आप लोग दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे कि हरियाणा में सुविख्यात पक्षी बिहार कौन सा है, तो दोस्तों वह है सुल्तानपुर। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा, नाम दफा कहां पे है दोस्तों? ये नाम दफा नेशनल पार्क कहां पे है? मिजोरम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में? मणिपुर में तो यार लोकटक झील है, लोकटक झील मणिपुर में। और नाम दफा नेशनल पार्क ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, है ना? और मेघालय में झूम की झूम खेती होती है। क्या बात है, सुल्तानपुर वाले तो खुशी हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मानस पशु विहार किस राज्य में है? मानस पशु विहार, ये आपको देखो नाम से मैं आपको बता दूंगा, इसका एक ट्रिक है, मैं आपको नाम से बता दूंगा। मानस में सा है, सा को पकड़ लो, असम में जोड़ दो, ऑप्शन नंबर 2। तो मानस पशु विहार असम में है। असम में और क्या बन सकता है पेपर में प्रश्न? एक सींग वाले गैंडे कहां? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां? असम में। बिहू लोक नृत्य कहां? असम में। तो क्या बनेगा? अगर आप बहुत ध्यान सुनते हो मेरे को तो नोटिस करना, मैं एक ही प्रश्न में 6-7 क्वेश्चन लगभग कवर करता हूं, तो एक के साथ, यानी कहते ना बाई 1 और गेट 7, एक पढ़ रहे हो एक के साथ में 7-7 प्रश्न आपका कवर होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहां पे है, बताएंगे आप लोग? पंचमढ़ी, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूं, अरुणाचल प्रदेश में। आपने देख लिया कि नाम दफा है, नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल में है। और आंध्र प्रदेश आप सबको पता है दोस्तों, पोचमपल्ली एक जिला है, पोचमपल्ली एक साड़ी की किस्म भी है, और ये साड़ी इतना फेमस हुआ कि पोचमपल्ली के नाम पे आंध्र प्रदेश जो कि आजकल तेलंगाना हो गया है आप जानते होंगे, और उसी के नाम पे वो जिला ही पड़ गया। तो खैर बचता कौन है? MP। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दिया जाए। पंचमढ़ी जीव संरक्षण दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में है, वही मध्य प्रदेश दोस्तों जिसको आप लोग कहते हो क्या, टाइगर स्टेट। वीडियो को दोस्तों प्लीज आप लोग शेयर करते जाओ यार, बड़ी मेहनत आपके लिए करते हैं, कम से कम जो फ्री क्लास है आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा? लगातार आप लोग बीच बीच में, हमारे जो एवरग्रीन बॉयज हैं, हमारे जो एवरग्रीन स्टूडेंट्स हैं, वो बीच बीच में सेशन को शेयर करते रहा करें,
जबरदस्ती कोई मत कीजिएगा, दिल कहे तो जरूर करो। अगला क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पे है? कई बार ये प्रश्न आया और इस बार उत्तर भी आपको मिल जाएगा यहीं पर, मैं नहीं इस बार बताने वाला, इस बार मैं आपका उत्तर लूंगा कि भैया कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या दोस्तों कहाँ पर, या मैं ये कह दूं नॉन ऑफ दीज, है ना? बताओ आप लोग, सभी लोग बताओगे फटाफट से कि कान्हा नेशनल पार्क कहां पे है। भरते जाइए पूरे कमेंट बॉक्स को सही उत्तरों के द्वारा, है ना? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आप सभी के द्वारा, वेल डन। तो दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क सब अब बताएंगे और सबने सही जवाब किया है मध्य प्रदेश, वही मध्य प्रदेश जिसे आप लोग टाइगर स्टेट के नाम पर जानते हो, वही मध्य प्रदेश जहां पे सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। भारत में 500 से ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और 50 से ज्यादा तो मध्य प्रदेश में ही है। बेटा बिहार की बात करें तो बिहार में तो बाहर है, वो आपको पता ही है, तो बिहार की बात ही क्या करना। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? प्लवी का मतलब जानते हो, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। अब देख लो पेपर में बदल देगा, कई बार तैरता हुआ नेशनल पार्क लिखा होता है, कई बार तैरता हुआ नेशनल पार्क नहीं लिखा रहेगा, तो क्या आप उत्तर गलत कर दोगे? आप बताइए मेरे को कि क्या अगर पेपर में तैरता हुआ नहीं लिखा रहेगा तो क्या आप सही उत्तर नहीं करोगे? तो विश्व का एकमात्र प्लवी जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपका मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क कहां पे है? नागरहोल मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या असम? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। सुमन कुमार, पूजा पासवान, प्रियंका ध्रुवे, जावेद अख्तर, शिल्पी ओमरे, हम ये कहेंगे हमारे कुछ बच्चे, देखिए लगातार 2 घंटे से बच्चे रुके हुए हैं, हम उनकी तारीफ करेंगे कि आपके लिए भाई बहुत बड़ी बात है। देखिए जीत तो बेटा हर कोई चाहता है, पर चलना कौन चाहता है? हर कोई चाहता है यार 50,000 वाली नौकरी मिल जाए, चुप मार के बैठ के जाके ऐश करें वहां, लेकिन ये बताओ चलना कौन चाहता है, मेहनत कौन करना चाहता है? डिपेंड ये भी तो करता है, अगर हमारी 50,000 की चाहत है तो मेहनत भी तो 1,00,000 वाली चाहिए। तो इनमें से कुछ बच्चों ने यकीनन इतिहास रचा है और हमारे तरफ से आपको स्पेशल हेल्प की जाएगी, स्पेशल मदद दी जाएगी एग्जाम से पहले। वेट कीजिए, वेट एंड वॉच, बहुत कुछ आपको हमारे द्वारा मदद की जाएगी। तो नागरहोल नेशनल पार्क दोस्तों ये आपको पता है कहां पर है? कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब 79। सोपान कृषि गृह कहां पर है दोस्तों? ये कहां की जाती है? सोपान कृषि कहां की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पर? क्या लगता है आपको? तरुण शर्मा, रीमा, आकांक्षा, प्रियंका ध्रुवे, रागनी गौतम, मोहम्मद जैद आलम? दोस्तों राइट आंसर आपका होगा पहाड़ों के ढलानों पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है या उपजती है? गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल? क्या लगता है आपको? सविता, आकांक्षा, प्रियंका, शिल्पी, लकी, तरुण, आकांक्षा और सभी भाई बहन? दोस्तों इसका नाम है चावल और आप सब लोग जानते हो कि चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसको पानी की भी बहुत जरूरत होती है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गोरखपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहीं पर होता है। जबकि चावल का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों भारत में होता है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल चावल का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और जबकि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहां पे होता है? गोरखपुर में। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो नंबर वन पे आज भी चाइना है और भारत हमारा दूसरे नंबर पे है। हमारा भारत दोस्तों विश्व में सबसे नंबर वन पे केवल दूध के उत्पादन में है, अपना भारत, प्यारा भारत, सबसे बढ़िया भारत। अगला क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? बेटा बड़ी अजीब सी बात है, सहारा तो विश्व का है ना, जबकि सॉरी सही उत्तर तो सी है, थार आपका है जो कि राजस्थान में है, लेकिन सहारा विश्व का है। अगर विश्व का मरुस्थल कहेगा तो उत्तर होगा सहारा, अगर एशिया का कहेगा तो गोबी, और अगर भारत का कहेगा तो थार। थार वो गाड़ी वाला थार परात नहीं, ध्यान दीजिएगा,
वो जो गाड़ी आजकल थार चल रही वो वाली थार नहीं, थार ये भारत का मरुस्थल है जो कि दोस्तों राजस्थान में है, और एशिया का अगर मरुस्थल कहेगा तो गोभी, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, जानते रहे आप लोग क्योंकि जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आप सभी के द्वारा, वेल डन। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी नाम से ही मिल गया, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, सबसे छोटा, याद रखो ये, नहीं तो पता ना हो आपको, जनसंख्या की दृष्टि से वेटिकन सिटी। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? काली मिट्टी, यह है आपकी स्क्रीन पर। काली मिट्टी दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है, और काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों होता है कपास का। कपास जानते हो ना, रुई को कहते हैं, बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त आंसर आप सभी के द्वारा, इसमें कोई संदेह हमें नहीं है किसी भी स्टूडेंट को लेकर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा किसको कहा जाता है? सबसे अधिक कैल्शियम कौन सी मिट्टी में होता है? पेडोकल, पेडल्फर, पॉडसॉल या लैटराइट? सही उत्तर स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, चूंकि आप गलत करोगे, ये गलत आपसे हो सकता है, मैं जानता हूं, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू रख लीजिए। वंदना दुबे, लवली कुमारी, रीमा यादव, निशा मिश्रा, मोहम्मद जैद आलम, पूजा पासवान। चलिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोस्तों कौन सी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था, कि धान की खेती के लिए सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती बेटा जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, ये धान के लिए है। अगला, लाल मृदा में लाल रंग दोस्तों किसके कारण होता है, बताएंगे आप लोग? आप लोगों ने देखा होगा आजकल आपके घर में जो कढ़ाई होता, आजकल तो होगा नहीं, पुराने जमाने में कढ़ाई हुआ करता था जिसमें आप लोग खाना बनाते थे चूल्हे पर रखकर, है ना, तो अगर कुछ दिन उसको अगर आप बाहर रख देते थे तो उसमें लाल रंग का आयरन लग जाता था, लोहा, वही है बेटा। तो मिट्टी में जो भी लाल रंग होता है वो आयरन के कारण ही होता है, लोहे के कारण ही होता है, होती बहुत छोटी बात है बेटा, लेकिन समझ के ऊपर निर्भर करता है। वो मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षारण की ओर प्रवृत्ति है वो दोस्तों क्या कहलाती है? वो मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षारण की ओर, मतलब द सॉयल व्हिच इज प्रोन टू हैवी लीचिंग ड्यू टू रेन इज कॉल्ड, सबसे अधिक क्षरण होता जा रहा है, वो बेटा है लैटराइट, वर्षा की वजह से। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को शेयर ना किए दोस्तों, लाइक और शेयर करते जाइएगा सारे बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया बीना, पूजा और हमारे सभी भाई बहन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, बताएंगे आप लोग? कंटूर फार्मिंग, में आपको बता देता हूं दोस्तों, यह हिंदी में भी लिखकर आ सकता है, क्योंकि आपको ऑप्शन में हो सके तो, एक सेकेंड रुक जाइए, हो सकता है दोस्तों ऑप्शन में आपको समोच्च कृषि आपको पेपर में ना दिखे, क्योंकि हिंदी में भी कंटूर कृषि लिखा रहता है और इंग्लिश में भी कंटूर ही लिखा रहता है, इसलिए हमने दोनों की व्यवस्था कर दिया बायलिंगुअल आपके लिए, कि मृदा को सुरक्षित रखने की जो जैव पद्धति है वो होता है कंटूर फार्मिंग, इसलिए जानते रहो कि हिंदी उसकी होती है समोच्च कृषि। क्या कहते हैं बेटा इसको? समोच्च कृषि। वंदना दुबे, मोहम्मद जैद आलम, सविता कुमारी, रीमा यादव, आकांक्षा मिश्रा, वेल डन। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? आप सबको पता होगा भाई, ग्लेशियर, देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर डी, स्क्रीनशॉट ले लो उत्तर के साथ में। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? निप्पोन डेल्टा, सिसली डेल्टा, गंगा डेल्टा या कैस्पियन डेल्टा? सही उत्तर दोस्तों आपका जाएगा गंगा डेल्टा यान के साथ में, डेट मींस ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन, चारागाह को पंपास कहा जाता है कहां पे, बताएंगे आप लोग? पंपास दक्षिण अमेरिका में, फिर कहूंगा दक्षिण अमेरिका में दोस्तों पंपास कहा जाता है घास के मैदान को,
एशिया में घास के मैदान को, अपने एशिया में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल कराएंगे, टोटल 100 प्रश्न आपको कराया जाएगा, अभी 8 प्रश्न और बाकी हैं। कुछ बच्चे हमारे ऊब जाते हैं, कहते हैं सर जी कितना पढ़ाएंगे, किसी दिन तो आप कुछ नहीं करवाते, किसी दिन काफी कुछ। बेटा ये मैराथन है, तो मैराथन का नाम क्या होता है कि 2011 से लेकर 2022 तक का पूरा आपका ईवीएस कवर कर दूं, बाद में आप ये ना कह सको सर आपने हमको ये सुविधा नहीं दी इसलिए हम रह गए। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को दोस्तों पंपास कहते हैं, अमेजन के घास के मैदान को लानोज कहते हैं, अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। हर ऑप्शन का जवाब मिलेगा एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर कवर होगा और आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगला प्रश्न, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होता है, बताएंगे आप लोग किससे होगा, हरे जंगल से होगा, किससे होगा, पहले इसको गलत काटो, इसको गलत काटो, इन दोनों में चुनो। फोटोप्लैंकटन मास यानी पादप प्लवक पुंज, इसके द्वारा ऑक्सीजन सबसे अधिक उत्पन्न होगा। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जाहिर बात है ये पेड़ पौधों का तो अपना प्रोसेस है, वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं तो ऑक्सीजन देंगे कहां से। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, वर्षा की बूंदों का गोला गोल आकार दोस्तों किस कारण से होता है, तो बेटा वो होता है आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा एक तनाव, पृष्ठ तनाव होता है ना, तो वर्षा की बूंदों का जो गोल आकार होता है वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। और किसी भी जैसे रबड़ को आप लोग खींच पाते हो, ऐसे पकड़ खींचते नहीं हो, चाहे वो बाल में बांधने वाला रबड़ हो, चाहे मिठाई में बांधने वाला रबड़ हो डिब्बे पर, वो प्रत्यास्थता के कारण होता है। गुरुत्व तो किसी चीज को खींचने की गुण होती है, और श्यानता ये फैलाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का दोस्तों फिलामेंट किसका बना होता है, सबने रट रखा है टंगस्टन का, ऐतिहासिक क्लास होगी आज का ये महामैराथन, हमने आपको पहले ही श्योर कर दिया था किस वीडियो से आपका लगभग, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो वीडियो आप एक बार दोबारा से वॉच कर लेना, टॉप 100 जो मैंने आपको दे दिया है, जाहिर बात है कि इससे बाहर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आइए, प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मात्रक है, दूरी का। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव ध्रुव की दोस्तों खोज किसने की थी, उत्तरी ध्रुव की दोस्तों खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने। रॉबर्ट पियरे मात्र एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने उत्तरी ध्रुव की दोस्तों खोज की थी। अगला प्रश्न, समुद्री जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, कितने लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, समुद्री जल को किसके द्वारा हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, आसवन वाष्पन फिल्टर या प्रभाजी आसवन, तो बेटा इसका राइट आंसर होगा डिस्टिलेशन के द्वारा, डेट मीन्स आसवन के द्वारा। वाष्पन तो यार अलग की चीज है, गर्म कर करके ही हर चीज शुद्ध नहीं हो सकता। अर्चना, प्रियंका, बीना, मनसा मौर्य, रीमा मौर्य, खैर रीमा यादव। दोस्तों जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर रखोगे तो आपको सुबह 11 बजे की लाइव सेशन और शाम को 9:20 का जो लाइव सेशन होता है, क्योंकि हम यही बात कहते हैं कि 24 घंटा पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, हमारे साथ अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं वो भी पर्याप्त है, क्योंकि पता ये होना चाहिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट वाइज इन चीज़ों का आपको निचोड़ यहाँ पे आपको लाइव मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारी पानी, और आज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है, टॉप 100 हमने 100 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराया, तो भारी पानी गुरु जल जिसको आप लोग कहते हो, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, आप सब लोग बताना चाहें तो जरूर बताइए, D2O, H2O मत कहना, इसको हम गुरु जल भी कहते हैं। तो बेटा ये था आपका आज का सेशन, उम्मीद करूंगा आप सबको पसंद आया होगा, अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप लोग, मैं डाउट सेशन रख लेता हूं यहां पे, अपने डाउट को आप पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। बाकी उन बच्चों के लिए आवश्यक सूचना, अगर आपने भी कई बार फीटेट का एग्जाम दे लिया है, नहीं पास कर पा रहे हो और जिंदगी दांव पर है कि भाई पास करना ही करना है, तो आप एजुकेशन स्टडी पॉइंट के नोट्स को पढ़ें, कुछ नहीं करना है, आप ये 150 पेज पढ़िए, लंबे चौड़ा नोट्स आपको नहीं पढ़ना है कि जिसको आप पढ़ ही ना सको,
इसमें हम आपको 90 पेज देंगे जो आपको पैडागॉजी का पैटर्न सिखाएगा, और यही मेन होगा जो आपकी दिशा और दफा दो निर्धारित करेगा। तो आप इस नोट से पैडागॉजी का पैटर्न सीखें, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ डेवलप करें, और हर सब्जेक्ट में कितना क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ इस नोट्स में दिया रहेगा। इस नोट्स को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो 9653050981, आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर फिदा मैसेज करके अपने नोट्स को बाई कर सकेंगे। तो प्यार आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं शाम को 9:20 पर एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर शाम को, थैंक यू।